शहर हैदराबाद में गुज़श्ता दो दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते की रात धुआंधार बारिश और फिर इतवार की शाम बारिश के सबब आम जिंदगी ठप होकर रह गई। शहर के मसरूफ तरीन इलाके जात कोठी, पुतली बौली, एबिट्स, मलकपेट, सैदाबाद, सदरनगुट्टा, फलकनुमा, शालीबंडा, सामिनार, वनस्थलीपुरम और उप्पल में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। कई नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो जाने की शिकायत भी मिली है। जीएसएमसी का इमरजेंसी स्क्वाड हफ्ते की रात शहर के कई कॉलोनियों में पानी की निकासी के काम में मसरूफ रहा। इतवार की शाम फिर वो दोबारा अपने काम पर लग गया। बंदलागोड़ा उप्पल में सबसे ज्यादा 212.52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माह जुलाई के आगाज से अब तक हैदराबाद में जुमला 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 43.9% ज्यादा है। मुकम्मल मौसमियात ने शहर में आइंदा दो दिनों के दौरान मजीद बारिश की पेशकशी की है। इसी दौरान वज़ीर तालीम सबीता इंद्रेड्डी ने अपने हल्के महेश्वरम के मीरपेट का दौरा किया, जहां बारिश का पानी मकानों में दाखिल हो जाने की वजह से कई कॉलोनियों में लोगों को सख्त मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के बेशतर अजला में भी वक्फे वक्फे से हल्की और फिर भारी बारिश होने की इत्तलात मिली है। जिले वरंगल में कई तालाब और खुंटे लबरेज हो चुके हैं। शहर में बोनल तकारीब इस साल एक अलग नौयत की होंगी। मशहूर फिल्म बाहुबली में काम करने वाली 34 साला हथनी जी लक्ष्मी मेनका 26 जुलाई तक 2 अगस्त उज्जैन मंदिर सिकंदराबाद और पुराने शहर के बोनल जुलूस का हिस्सा होगी। उज्जैन महाकाली मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी मनोहर रेड्डी ने बताया कि गुज़श्ता साल कोविड-19 की वजह से बोनल जुलूस नहीं निकाला गया था, लेकिन इस साल इस हथनी को 26 जुलाई को जुलूस का हिस्सा बनाया जाएगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के वेटरनरी डॉक्टर समेत 11 रुकनी टीम इस हथनी के हमराह होंगी। हालिया दिनों में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हथनी रजनी की मौत के बाद मुकम्मल हिंदू वक्फ ने कर्नाटक के रायचूर से गजालक्ष्मी मेनका को हैदराबाद लाने का फैसला किया है। मेनका को रायचूर में मजहबी जुलूसों में हिस्सा लेने का तजुर्बा भी है। वो मुख्तलिफ फिल्मों खासकर बाहुबली 2 में काम कर चुकी है। इक्काना मादाना मंदिर के सरपरस्त जी निरंजन ने पुराने शहर के जुलूस के लिए मेनका को लाने में मदद करने हिंदू वक्फ बोर्ड के तयखुन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने सिद्धिपेट में फार्मर सर्विस फर्टिलाइजर सेंटर का अफ्तिताह किया और कहा कि इससे किसानों को खाद और कीड़ा मार दवाओं की खरीदी में मदद मिलेगी। सेंटर कारपोरेट शोरूम की तरह काम कर रहा है, जहां एक ही छत के नीचे किसानों को दरकार तमाम अशिया दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और चाहती है कि उनकी फसल मुनाफा बख्श हो। इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन पी साईराम, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन राजा नरसू और दूसरे भी मौजूद थे। मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव भी एक्शन से भरपूर साबित हो रहे हैं। तेलुगु फिल्म सनत की मशहूर शख्सियतें इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, जिसकी वजह से इंतखाबी माहौल न सिर्फ चकाचौंध बल्कि गर्मा गर्म भी हो चुका है। प्रकाश राज, मंचू विष्णु, हिमा, ज्योति राजशेखर और CVL नरसिम्हा राव सदारती अहदे के उम्मीदवारों में शामिल हैं। इल्जाम और जवाबी इल्जाम के साथ इंतखाबी मुहिम तेज तर हो चुकी है। इंटर के लीडर जी संजीवा रेड्डी साबिक MP ने M वेणुगोपाल को सिंगारानी कॉलोनी लेबर यूनियन का नायब सदर मुकर्रर किया है। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वेणुगोपाल मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। शहर में गुज़श्ता हफ्ते से जारी बारिश के सबब शहर के 2 ज़खायराब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। मुकम्मल वाटर वर्क्स के मुताबिक उस्मान सागर में जहाँ पानी की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, 1784 फीट पानी आ चुका है, जबकि हिमायत सागर में जिसका सतहयाब की हद 1763 फीट है, वहाँ 1761.55 फीट पानी जमा हो चुका है। रचाकुंडा पुलिस ने सिक्योरिटी काउंसिल और एंड नाउ फाउंडेशन के तआवुन से साइबर योद्धा सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया। नरीमिट पुलिस कमिश्नरेट में मुनक्किद एक तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी जय संजन ने मेहमान खुसूसी हैसियत से शिरकत की और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत, डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर सनप्रीत सिंह, डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी अक्षिता के मूर्ति, डिप्टी कमिश्नर पुलिस भोंगीर नारायण रेड्डी, ACP साइबराबाद हरिनाथ और दूसरों ने भी इसमें शिरकत की। जिले वखाराबाद के लखनपुर के एक तालाब में मछलियां पकड़ने के दौरान एक 50 साला साइलू गरकाब हो गया। ये हादसा हफ्ते की दोपहर पेश आया। उसके साथियों ने उसके गायब हो जाने पर चीखों पुकार की और उसका पता नहीं चला। पुलिस को इत्तला दी गई, जिसने वहां पहुंचकर उसकी लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया
और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। रियासती वजीर कबायल महबूब सत्यवती राठौर ने वेनमोर मौजे के एक शख्स बी रड्डैया नायक की मदद करने का यकीन दिलाया, जिसकी जमा पूंजी जो 4 लाख रुपए पर मुश्तमिल थी चूहों ने कतर ली। बताया जाता है कि रड्डैया नायक ने अपने पेट के इलाज के लिए ये रकम जमा की थी और बैग में रखे थे। मंगल को जब दवाखाना जाने से कबल बैग खोला तो सारे करेंसी नोट कतरे हुए पाए गए। रड्डैया नायक ने मुकामी बैंकों के चक्कर काटे, लेकिन बैंकों ने इस रकम को कबूल करने से इनकार किया। वजीर कबायल महबूब ने बताया कि वो RBI से रुजू होकर उसकी रकम वापस दिलाएंगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के अंदेशे के दौरान कुल हिंद बज्म रहमत आलम ने मुसलमानों से अपील की कि वो नमाज ईद-उज़ुहा अपने अपने घरों के पास की मसाजिद में अदा करने को तरजीह दें और ईदगाहों को जाने से गुरेज करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ से गुरेज किया जा सके। सदर बज्म MA मुजीब ने कहा कि ईद-उज़ुहा जहाँ इशार और कुर्बानी का पैगाम देती है, वहीं हमें साफ सफाई की तलकीन भी करती है। उन्होंने मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो ईद-उज़ुहा के मौके पर अपने पड़ोसियों का ख्याल करें और अपने वतन के जज्बात का एहतराम भी करें। TRS के बरतरफ वजीर सेहत इटला राजेंद्र की बीवी जमुना ने इतवार को एक सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए रियासत के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद के जिमनी चुनाव में वो खुद मैदान मुकाबला में होंगी। इटला राजेंद्र को, जिन्होंने हाल ही में BJP में शमूलियत अख्तियार कर ली, इंतखाबी मैदान से दूर रखने के लिए जबरदस्त मुहिम शुरू की जा चुकी है। जमुना ने कहा कि वह हर इंतखाबात में अपने शौहर की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रही है, चुनाचे इस मरतबा उनके शौहर या फिर वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। इटल राजेंद्र की बीवी जमुना हुजूराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपने शौहर के किए गए तरक्याती इकदाम से लोगों को वाकिफ करवा रही हैं। किसी हैदराबादी को एक कप कॉफ़ी पिलाई जाए तो वो आपका एहसानमंद रहेगा, लेकिन किसी को चाय पिला दी जाए तो वो आपका हमेशा के लिए दोस्त बन जाएगा। ये सिर्फ एक कौल नहीं बल्कि हकीकत है। डॉक्टर रविंद्रनाथ फाउंडेशन ने जुबली हिल्स रोड पर चाय का अपना पहला ऐसा काउंटर कायम किया है जहां लोगों को मुफ्त चाय पिलाई जा रही है। ये सेंटर KBR पार्क के करीब वाक़ है। अभिषेक नाथ ने बताया कि उन्होंने अपने वालिद मशहूर डेंटल सर्जन डॉक्टर रविंद्रनाथ के नाम से एक फाउंडेशन कायम किया है जो मुख्तलिफ फलाई काम अंजाम देता है। उन्होंने सोचा कि फलाई कामों में मुफ्त चाय की सरबराही भी एक अच्छा इकदाम है। चुनाचे बसवा तारकामा हॉस्पिटल के करीब के लोग जो इलाज के लिए आते हैं या फिर उनके तीमादार, उन्हें करीब में चाय की कोई स्टॉल दस्तियाब नहीं है। इसी ख्याल से उन्होंने मुफ्त चाय का काउंटर कायम कर दिया है। अभिषेक नाथ ने बताया कि गर्मा गर्म चाय के साथ बिस्किट भी मुफ्त दिए जाते हैं। रोजाना औसतन 500 से 600 अफराद उनके काउंटर पर चाय नोश करते हैं। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान ये दूसरी मरतबा है कि नामालूम अफराद ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया है। हैकर्स ने अकाउंट पर मजलिस के पार्टी परचम को भी बदल दिया है। मजलिस के मीडिया सेल के इंचार्ज ने पुलिस से सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और ट्विटर इंडिया कंपनी को भी इस वाक़े से वाकिफ करवा दिया है। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान के फर्जंद डॉक्टर ख्वाजा अहमद खान इम्तियाज ने ईद-उज़ुहा के पेश नज़र फातिमा ओल्ड एज होम फलकनुमा का दौरा किया और वहाँ मुकीम खवातीन में मलबूसा तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ईद की खुशियों में उन खवातीन को भी शामिल किया जाए जो अपने अरकान खानदान से दूर बैतुल ममरीन में रहते हैं। हैदराबाद की मशहूर और बुजुर्ग शख्सियत हजरत यूसुफ बाबा और शरीफ बाबा के 321वीं उर्स शरीफ के आखिरी दिन मजलिस की तरफ से दरगाह हजरत यूसुफ नामपली पर चादर गुल चढ़ाई गई और फातिहा खानी की गई। मजलिसी अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मुहीद्दीन, मौजम खान के अलावा कोऑपरेटर्स सुहेल खादरी, नसीरुद्दीन और हरन फरहान दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने वाले मजलिसी कायदीन में शामिल थे। पुलिस ने विशाखापट्टनम के एक मकामी बस स्टॉप पर खड़े 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 161 किलो गांजा जब्त किया। 4 मुलजमीन कपिल, आकाश वर्मा, शंकर जादव और राजकुमार का ताल्लुक दिल्ली से है, जबकि एक और शख्स अभिषेक उत्तर प्रदेश का मुतवत्तिन बताया गया है। सब इंस्पेक्टर रंजीत ने मजीद बताया कि मुलजमीन ने धराकोंडा मौजे से ये गांजा लेकर दिल्ली को ले जाने की फराख में थे। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 25,000 रुपये की नकद रकम भी बरामद की। मुल्क भर में कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नए तालीमी साल का 1 अक्टूबर से आगाज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटियों से कहा कि वो 30 सितंबर तक दाखिलों का मरहला मुकम्मल कर लें। इसी दौरान जराए ने बताया कि 31 जुलाई तक तमाम स्कूलों के 12वीं जमात के नतज का ऐलान कर दिया जाएगा।
बम्बई में लगातार बारिश के चलते इमारत गिरने के दो वाकयात में 15 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि विक्रोली में एक इमारत मुनदिम हो गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि सिंगपुर के भारत नगर इलाके में एक दीवार खिसक कर गिर पड़ी, इसकी वजह से 11 अफराद हलाक हो गए। तकरीबन 16 अफराद को मलबे में से निकाला गया। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई के वक्रोली और चंबुर इलाके में दीवार मुनदिम होने से मरने वालों को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपये की इमदाद देने का ऐलान किया। 19 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून संसद से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को तमाम सियासी जमातों का इजलास तलब किया और उनसे ख्वाहिश की कि वो ऐवान की कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए हुकूमत के साथ तआवुन करें। इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल के अलावा कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, TMC के रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन और दूसरे भी शरीक थे। कोविड-19 को लेकर मुल्क में पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने में मरकजी हुकूमत की नाकामी मौजूदा मानसून सेशन में बहस का अहम मौजू होगी। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में फिर एक बार इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,157 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुदत में 518 नई अमवात हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में सेहत याब होने वालों की शरह 97.31% हो चुकी है। हफ्ते को 19,36,706 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 44,39,58,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। इंडिया कोविड-19 टास्क फोर्स के सरबरा डॉक्टर एस ए पॉल ने मुल्क में तीसरी लहर के खतरनाक साबित होने की पेशकशी की और आवाम से कहा कि वो कोविड-19 कवायद की सख्ती के साथ पाबंदी करें। मरकजी वजारत सेहत ने भी डॉक्टर पॉल के दावे की तौसीक की और कहा कि आने वाले 100 दिन इंतहाई नाजुक और तशवीशनाक हो सकते हैं। वजारत सेहत ने दावा किया कि कल एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 के टीके दिए गए और अब तक मुल्क भर में 40,39,31,715 अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं। डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज एंटर टू विन मास्टर्स इन MPC एंड BPC इंटीग्रेटेड कोचिंग फॉर नीट IIT JEE सेपरेट ब्लॉक फॉर गर्ल्स Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 0402970-1124. An Institute of Success Schools.